पंजाब के चंडीगढ़ के सेक्टर 24 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिवाली की रात एक सीनियर आईएएस अधिकारी के सरकारी आवास पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। पंजाब के सीनियर आईएएस अधिकारी वरिंदर कुमार शर्मा के आवास पर गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि वरिंदर कुमार शर्मा वर्तमान में पंजाब सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं। जानकारी के मुताबिक गोली उनके घर के बेडरूम में लगी है। इस गोलीकांड के समय आईएएस अधिकारी का परिवार घर पर ही मौजूद था। हालांकि गोली चलने की इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस घटना के तुरंत बाद आईएएस अधिकारी ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। आनन फानन में चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी समेत एसएचओ और कई अधिकारियों का जमावड़ा उनके आवास के बाहर लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है, ताकि अज्ञात अपराधियों का कोई क्लू निकलकर सामने आ सके। वहीं फोरेंसिक की टीम गोली का खोल बरामद कर लिया है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई शरारती तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया है, या फिर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से गोली चलाई गई थी। पहली बात तो यह है कि हमारे सारे परिवार मेंबर कुशल हैं, ठीक हैं, हम लोग कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रात कोई 11:10 PM के ऊपर जब पूरी दुनिया के अंदर पटाखे चल रहे थे, उस टाइम मैं ऊपर वाले बेडरूम में बैठा था। सडनली एक बुलेट जो है वो पीछे वाली खिड़की से लैंड करी है रूम में, और वो जस्ट मेरा बचाव ही उसमें हो गया। बट एक्चुअल बुलेट अंदर आई है, बचाव इसलिए हो गया कि वो जो वुडन फ्रेम है विंडो का, फॉर्चुनेटली उसको पियर्स करती हुई गोली अंदर आई है, और जब तक वो अंदर आई तो उसका इम्पैक्ट कम हो गया था। उसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ, बट वो एक्चुअल बेड जिसमें मैं बैठा था वहाँ तक वो गोली आई है। अगर वही शीशे से आई होती तो नुकसान हो भी सकता था। दूसरी बात यह है कि मेरी पर्सनल एनिमोसिटी किसी से नहीं है, ये मुझे कोई ऐसी शरारत नहीं लगती है कि मुझे कोई पॉइंटेड कोई मेरे पे हमला किया गया। सिर्फ ये है कि दिवाली की रात मुझे लगता है कि कहीं पे कोई सेलिब्रेटरी फायर हुई है और उसकी एक स्ट्रे बुलेट आई है। पुलिस को मैंने कंप्लेंट दे दी है, नाउ इट इज़ अप टू द पुलिस कि वो इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन कल्प्रिट। वहीं पंजाब की सेक्टर 11 पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में सीनियर आईएएस अफसर का बयान दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी डीडीआर दर्ज की है। आईएएस अधिकारी ने बताया कि देर रात करीब 11:15 के करीब जब वे घर के ऊपर वाले बेडरूम में थे, तभी गोली चली थी। उन्होंने कहा कि उनका किसी के साथ कोई रंजिश और दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर आखिर किसने यह हरकत की है। बदमाशों की ओर से चलाई गई गोली कोठी के एक कमरे की खिड़की पर लगी, जिसे प्लाई लगाकर बंद किया गया था। गनीमत रही कि गोली प्लाई में ही अटक गई, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।